आज आया जी शर्मा स्नैक्स पर देखने इतने सारे स्नैक्स, मतलब कि पाजी बताएंगे कितने सारे स्नैक्स बेचते हैं, मतलब कि वैरायटी जो है पाजी के पास वो कितनी है और उनके बारे में जानेंगे कौन कौन से अलग अलग स्नैक्स हैं। तो हाँ जी पाजी कैसे हो? बढ़िया सर। तो आप कौन कौन से स्नैक्स बेचते हो यहाँ पर उसके बारे में जानेंगे? ये सर ये हमारा दाल का पकौड़ा है। ये दाल का? हाँ जी। ये हमारे वेज कबाब है वेजिटेबल्स के। ये हमारा स्प्रिंग रोल है। स्प्रिंग रोल। ये हमारा चीज़ पकौड़ा है, स्टफ़ होता है। ये हमारे गोभी वाले हैं। ये हमारे क्रिस्पी आलू फिंगर है। और इसके बाद आ जाएगा ये हमारी चाप है, सोया फ्राइड चाप, इसको कट करके छोटे छोटे पीस। ये हमारे पनीर वाले हैं। ये हमारी आगे स्टफ़ मशरूम आ गई है। ये आगे हमारे पालक वाले, आलू और पालक के पकौड़े होते हैं, मेथी होती है। और ये हमारा ब्रेड पकौड़ा, किसी चीज़ में बिना ये सारा बिना लहसुन और प्याज के होता है, किसी चीज़ में लहसुन और प्याज नहीं है। लहसुन प्याज वाला कोई सा सामान नहीं है? कोई सामान नहीं है, कोई हर तरह का बंदा खा सकता है, जैनी हो या कोई भी हो। लेटेस्ट वैरायटी है ये हमारी। हाँ जी, ये हमारे नूडल वाले समोसे हैं। सबसे वही न्यू वैरायटी जिसमें नूडल्स, यार समोसे में नूडल्स पाए जा रहे हैं। और समोसे की आप लुक देख सकते हो, एक बार मैं पूरा समोसा दिखा देता हूँ आपको। ये देखे भाई समोसा, तो यार आपने वैसे इतना देखा होगा, ये है इतना का ये समोसा। और इसके अंदर भाई नूडल्स, ये लेटेस्ट भाई ने अभी निकाला है। वैसे कितना टाइम हो गया आपको ये निकाल रहे? सर अभी हमें सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। एक हफ्ता? आपको कितना टाइम हो गया? मुझे सर 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। भैया ने ऐसे ऐसे डिजाइन निकाल दिया जिसमें दीवानी कर दिया दुनिया। सोचा जैसे ऐसा था कि मुझे, वैसे तो मैंने ये काम, मैंने लाइन वैसे करनी नहीं थी। वैसे जैसे मेरे पापा थोड़े से बीमार हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने ये, किसी को आता नहीं था घर पे काम, तो मुझे आता था, तो फिर मैंने अपने तरीके से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब जैसे दोबारा हम सारे फैमिली सपोर्ट है, अब हमारी किचन जो है हम घर पे ले गए हैं, तो पूरी फैमिली के साथ सपोर्ट मिलती है। और हम उसके लिए फिर हम थोड़ा धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं अपनी आइटम का, जो भी है सारा हाफ डन करके लेके आते हैं। जैसे जैसे यहाँ कस्टमर की डिमांड होती है, हम फिर वैसे डीप फ्राई करते हैं, फुल फ्राई करते हैं। हमारा 6:30 बजे काम स्टार्ट हो जाता है। सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, फिर रात को कम से कम हमें 9 बज जाते हैं। दोस्तों का जो आपने आइडिया सोचा है ये, अभी एक हफ्ते पहले सोचा, ये कैसे आपके दिमाग में आया था ये ऐसा कुछ? सर ऐसा है कि देखो, नूडल वाला समोसा बड़े बनाते हैं, हमने ना एक ये छोटी वाली डिज़ाइन की है, इस हिसाब से कि जैसे बच्चों के लिए स्पेशल है, छोटा सा पीस है, इजी बाइट है, और आराम से बच्चा, जैसे अगर बड़ा पीस नहीं खाना चाहता तो ये छोटे छोटे आराम से कम खा लेगा। और एक प्लेट में कम से कम 250 ग्राम में 9-10 पीस आ जाते हैं, क्वान्टिटी भी इसकी अच्छी है। स्प्रिंग रोल आ गया भाजी, ये गोभी वाला आ गया, ये पालक वाले, ये नूडल वाले, ये कबाब आ गए, ये आलू फिंगर आ गए, ये पनीर वाले आ गए, और ये दाल वाले आ गए। तो सर आपकी शॉप की टाइमिंग क्या रहेगी अगर कोई आना चाहता है तो? सर टाइमिंग है हमारी सुबह 11:30 बजे से शाम को 8 बजे तक, 8:30-8 बजे तक हम लास्ट ओपन होते हैं बस। और प्राइस क्या पड़ता है इनका सबका? सर समोसा अभी 10 रुपये का पीस है, हर कोई बंदा खा सकता है 10 रुपये के, तो चलो हर किसी के पास इतना तो होता ही है। और बड़ा साइज का समोसा है, आप देख लो एक खाएगा। और ये मिनी समोसा ये 60 रुपये के 250 ग्राम है, ये क्वांटिटी में 250 ग्राम में कम से कम 9-10 पीस चढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमारे जो सारे के सारे स्नैक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमारा चाट मसाला आ गया। चाट मसाला? हाँ जी। हाँ जी, जो स्वाद बनाता है भाई। एड्रेस है हमारा सर, एक साइड से अड्डा शहरपुर आता है और एक साइड से भगत सिंह चौक, उसके मिड में है, यहाँ पे अटारी बिहार स्टार्ट होता है। उसके साथ ही हमारा ये मंदिर है, गोपाल मंदिर है जो बड़ा फेमस है, उसके साथ ही जस्ट हम बैठे।